हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय प्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए हिंदी का हार्फली एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने आप को परखिए कि आपको इस क्वेश्चन से कितना आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जायसी प्रतिनिधि कवि हैं, तो इसका आंसर रहेगा ब, प्रेममार्गी शाखा के। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं, तो जो गेहूं और गुलाब निबंध है इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है, तो जो ऑप्शन है आपका इसका आंसर रहेगा द, नर्मदा। जो पुरुषों में उत्तम है के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर रहेगा ब, पुरुषोत्तम। संचारी भावों की कुल संख्या मानी गई है, तो फ्रेंड्स संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ डैश से माना जाता है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? बैल की बिक्री में महाजन का डैश नाम था, जो बैल की बिक्री है उसमें महाजन का क्या नाम था? सुश्रुत संहिता में शल यंत्रों की संख्या डैश बताई गई है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे क्या कहते हैं? द्वंद समास कहते हैं। रसयुक्त वाक्य ही डैश है, तो काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके करना है आपको। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ डैश से माना जाता है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स था, मैंने पढ़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य, बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, आपको इसका आंसर सत्य या असत्य में बताना है। कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत नहीं थी, थके हुए कलाकार से कविता है। संधि के चार भेद होते हैं, उल्लाला एक मात्रिक छंद नहीं है, ये थे सत्य असत्य। फिर है सही जोड़े मिलाओ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो तरफ, एक तरफ अ और ब, इसमें जोड़े मिलाने हैं आपको। मैंने आहुति बनकर देखा, मन की एकाग्रता, बेटियाँ पावन दुआएं हैं, वीर रस, दो वर्णों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? सुजान सिंह कौन थे? भगिनी निवेदिता के गुरु का नाम क्या था? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और रस के कितने अंग होते हैं? आपको इसके आंसर देने हैं वन वर्ड में। फिर है पारस के में कौन सा गुण पाया जाता है? बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है, ये अथवा में क्वेश्चन रहे। फिर सातवां क्वेश्चन, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है, और अथवा में है कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है। आठवां क्वेश्चन है, वसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है, और फिर क्वेश्चन है अथवा में, कवि चट्टानों की छाती से क्या निकालने के लिए कह रहा है। नवा क्वेश्चन रहेगा, लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में अथवा में, दयामयी माता के तुल्य किसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए, अथवा में है कवि नरेश मेहता ने रुकने को किसका प्रतीक माना है। ग्यारहवां क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, और अथवा में है हिंदी गद्य साहित्य की अन्य गौड़ विधाओं के नाम लिखिए। देहाती बूढ़ा कमाल पासा के पास क्यों गया था, महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध हैं। फिर क्वेश्चन है, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। विषैले तालाब के नज़दीक युधिष्ठिर ने क्या देखा, ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध लिखिए। वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए, अशोक राजनगर में रहता है, तो प्रश्नवाचक में बदलना है, क्या अशोक राजनगर में रहता है, गीता रामपुर में रहती है, निषेधवाचक मतलब निगेटिव सेंटेंस में, गीता रामपुर में नहीं रहती है, ऐसे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामू को फेल होने की आशा है, तो रामू को फेल होने की आशा है शुद्ध करके लिखना है आपको, फेल होने की आशा है। पुरुषोत्तम की पत्नी अच्छा थी, पुरुषोत्तम की पत्नी अच्छी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर लिखना है, रस की परिभाषा लिखनी है। फिर है, अमरनाथ एक सच्चा मित्र है क्यों कहा गया है, जीवन की बेटियों का महत्व, जीवन में बेटियों का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। 18वां क्वेश्चन, संधि और समास में कोई तीन अंतर लिखिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अनुयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं लिखिए तथा रीतिकाल के कोई दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित, भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए तथा भारतेंदु युग के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना, नाटक और एकांकी में कोई चार अंतर लिखिए। फिर है, यात्रा वृत्त किसे कहते हैं, कोई दो लेखकों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिहारी अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, जैसे दो रचनाएं, मतलब बिहारी या सूरदास कोई न कवि की तो आता ही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर अथवा हरिकृष्ण प्रेमी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको एक पद्यांश आएगा, इसकी व्याख्या करनी है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, इसका आपको पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं, छापी गई इनकी कहानी, इसका भी आपको अनुवाद करना है। फिर एक गद्यांश रहेगा, आपको इसका भी सप्रसंग सहित व्याख्या करनी है, दो रहेंगे अथवा में है। फिर नेक्स्ट में अपठित गद्यांश आएगा, इसको पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना है, तो आप इसको जरूर पढ़ लें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। फिर देखिए, आपको एक लेटर आएगा प्रश्न पत्र में, परीक्षा की तैयारी के लिए अन्य पुस्तक खरीदने हेतु तो अपने पिताजी को पत्र लिखिए, जिसमें 500 रुपये मंगवाने का लिखिए। शाला प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र, और फिर एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है आपको, जो ये विषय आप देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे ही पेपर में पूछा जाएगा, विद्यार्थी और अनुशासन, पर्यावरण और प्रदूषण, स्वच्छता अभियान, आतंकवाद, विज्ञान एक अभिशाप। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको तैयार करिए, और आपका कल पेपर है तो अपने आप को सोचिए कि आप इस पेपर के लिए कितना तैयार हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।